हाँ ठीक है, आई एम थिंकिंग ऑफ मैरिंग गौरव कपूर। अरे इतना कोई सेव करियर थोड़ी ना है भैया, पहले पैसा सेव वेव कर लो। वाओ, ही वाज अर्निंग ऑलरेडी लेसर देन मी। ही इज अर्निंग लेसर देन। कुछ कुछ गलत मीनिंग निकाल रहे हैं भाई। वीजा काम खत्म करके सीधा कचोड़ी इन द वन। हे गाइस, अब व्लॉग रेगुलरली आएंगे क्योंकि गौरव कपूर ब्रेक लेने की सोच रहे हैं 3 महीने के लिए, जैन फेब एंड मार्च। तो ये वाला वीकेंड गौरव का खाली। अब बोल रहे मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। मैंने कहा मुझसे बैठ के, मेरे साथ बैठ के बातें कर को भी। शायद कितनी बातें करूंगा आपसे, आपसे ज्यादा बात करता हूँ, घुमा फिरा के बाद एक जगह ले आते हो। कल बातें करी हमने तो वही तो बातें मेरे को नहीं करनी है। कल हमने खूब बातें करी और झगड़ा हो गया हमारा। तो बस इसीलिए फिर मेरे 2 वीकेंड खाली दिख रहे हैं। बताए आगे मेरे मन में चुल चुल एक ना मन में लालच सा हो रहा था, शो डाल दो क्या, शो डाल दो तो निकल ही जाएगा। बहुत सारी सिटीज तो अभी छुई भी नहीं इंडिया में, पर नहीं करूँगा यार। आई विल गिव ब्रेक टू माई माइंड एंड आई विल कीप माई पीस ऑफ माइंड विद मी। कुबी, डू यू वॉन्ट टू गिव इनसाइट पीपल हु आर लुकिंग टू स्टार्ट देयर करियर इन स्टैंड अप कॉमेडी? नो श्रे, आई डोंट वॉन्ट टू गिव एनी इनसाइट। कुबी प्लीज गिव, नो ओपन माइक करना होता है, ओपन माइक करके अगर आपको बन जाए तो आप। क्या होता है ओपन माइक? ओपन माइक होता है हर सिटी में ऐसे ग्रुप्स होते हैं कॉमेडियंस के, लोकल कॉमिक्स लोग मिलके 4-5 लोग मिलके एक रूम रन करते हैं, जिसमें कोई नहीं, कोई भी बंदा आके रजिस्टर करके किसी भी तरीके से इंस्टाग्राम पे उनको मैसेज करके या मेल वेल होता होगा, आई डोंट नो। आज ओपन माइक है तो मैं 5 मिनट करना चाहता हूँ, 4 से 5 मिनट मिलता है, 6 मिनट तो आप वो मटेरियल लिख के लाओ, 6 मिनट में से 2 मिनट 3 मिनट जो भी बोलो, अगर उसमें से 10 सेकंड भी चल गया तो यू कीप दोज 10 सेकंड्स विद यू एंड देन यू वर्क अगेन ऑन रेस्ट ऑफ द मटीरियल। मतलब जाओ स्टेज पे, बेसिकली स्टेज मिलता है 5 मिनट कुछ भी बोलने के लिए, बोलो अगर आपको लगता है कोई चीज़ फनी है तो, लोगों को फनी लगेगी तो वो हंस देंगे, हंस देंगे तो आपको अच्छा लगेगा, तो इस तरह करके 5-5 करके मटेरियल बनाते रहो। और कितना टाइम लगता है 1 घंटा बनाने में? अगर आप फास्ट राइटर, फास्टेस्ट राइटर भी हो तो भी आई थिंक 6-8 महीना तो जाएगा यार 1 घंटे में। 6-8 महीने भी नहीं बनता, जैसे मेरा 1 घंटे में लग जाता है, 1.5 साल। बट वुड यू सजेस्ट पीपल टू लीव देयर जॉब एंड देन स्टार्ट कॉमेडी और समथिंग? नो 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 नो। व्हाई? अरे इतना कोई सेव करियर थोड़ी ना है भैया, पहले पैसा सेव वेव कर लो, एटलीस्ट ऐसा रखो कि 1.5-2 साल तक 1 रुपये की भी कुछ कमाई ना हो तो भी तुम किसी मेन सिटी में सर्वाइव कर लो बिना अपना लाइफस्टाइल चेंज करे। बट यू थिंक स्टैंड अप इज अ सस्टेनेबल प्रोफेशन? शायद कोई पॉडकास्ट चल रहा है आपके साथ मेरा पालतू का। तू अपना बता तो, तूने कब तक जॉब करी, उसके बाद कब छोड़ा? भैया हमारी शादी नहीं हुई थी, मम्मी आई थी मेरे, तो मम्मी मुझसे मिलने आई थी ऐसे, तो मैंने सोचा बता देती हूँ कि हाँ ठीक है, आई एम थिंकिंग ऑफ मैरिंग गौरव कपूर। तो ये ऐसा है ना, मैंने कहा एक तो भैया ऑलरेडी ही इज यंगर देन मी, सीधा बोलो ना, ही वाज अर्निंग लेसर देन मी, ही इज अर्निंग लेसर देन मी, ये बोलो ना। तो ये क्या बात पलट रहे हो, पॉज लेके यंगर देन मी बोल रहे हो? तो सुनो, यंगर तो मैं अभी भी हूं आपसे। तो मम्मी को मुझे समझाना था और अभी पासा पलट चुका है। ओहो, को भी चुप रहना। तो मम्मी को मुझे कन्विंस करना था कि भैया ठीक है इसे शादी करनी है, तो मैंने कहा ठीक है गौरव जी आए अपना शॉर्ट्स पहन के, मतलब एकदम बिल्कुल भी क्या ही बताऊं मैं। मैंने कहा मम्मी गौरव और ये ऐसे वैसे ऐसे बात बात कर रहा है गौरव, और फर्स्ट इसमें बोल रहा है कि मैं तो ना सोच रहा हूँ कि जॉब वॉब छोड़ के मैं तो स्टैंड अप करूंगा, और तब तो अभी तो फिर भी थोड़ा स्टैंड अप का है हल्ला, तब तो कुछ भी नहीं था। मम्मी उसको ऐसे देख रही है, बोले मीनी तू क्या कर रही है? मैंने को बोला ये भगवान, मैंने कहा गुबी यार ऐसा नहीं था, लड़का तो मिल ही जाता गुबी, ऐसा कुछ नहीं, तुझे बड़ी लड़कियां मिल रही थी, हंस तो ऐसे रहा है, वो तो टाइम पे शादी हो गई तेरी, नहीं तो तू भी बबुआता रहता इधर उधर, समझा? सही चल रहा था। अच्छा सही, कुछ नहीं चल रहा होता, बड़ा आया सही चल रहा होता, 2 साल और ज्यादा चल रहा होता बाकी उसके बाद सब टाटा बाय बाय करके निकल लेती, बड़ा आया सही चल रहा होता। वी आर ऑन अ फर्स्ट ऑफ जैन से, वी आर ऑन अ हेल्दी फर्स्ट ऑफ जैन से, नहीं फर्स्ट ऑफ जैन को सेलेक्ट सिटी वॉक में एक ये कैफे है, अन कैफे, ग्रीन पार्क में भी है, पता है मेरे को, पता था ना, ग्रीन पार्क से ले आया। दिस वाज टक एक टक्ड इन सम कॉर्नर इन फर्स्ट फ्लोर ऑफ सेलेक्ट सिटी है ना मेरा। मुझे, मैं गई थी शॉपिंग करने के लिए, मुझे बहुत जोर की भूख लग रही थी, तो मैंने कहा यार देखती हूँ, फिर मैंने देखा इसका बोर्ड लगा था, मैंने कहा सैलेड वैलेड था, मैंने कहा जाके टेस्ट करती हूँ, फिर एक ये वाला सैलेड खाया तो इतना अमेजिंग लगा मुझे। अच्छा वो गौरव को डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाने का बहुत शौक है, मुझे जो है रूम में बैठ के खाने का, बेड पे टीवी देखते हुए। आप कौन से वाले ईटर हो, आर यू अ डाइनिंग टेबल ईटर और अ बेडरूम में बैठ के रजाई में घुस के वाला ईटर? किचन में खड़े होकर? किचन में खड़े नहीं, तू हमेशा डाइनिंग टेबल पे। ये खाएगा तू? ये वैसे पता है बिना ड्रेसिंग के भी अच्छा ही लगता है।
बट इफ यू वांट यू कैन हैव इट विद द ड्रेसिंग आल्सो. अरे रे 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 धीरे धीरे करके नीचे हो रहा है भाई. ये फंडा एकदम सही है, जैसे ही ना शो रुक जाते हैं व्लॉग अपने आप तेज हो जाते हैं. पता नहीं जब तक शो चलते ना मेरा हाथ फोन पे जाता ही नहीं है, और जैसे ही मैंने पढ़ लिया है कि थोड़े दिन शो कम करने हैं अपने आप ही कैमरा उठ जाता है. हर्ष रे क्या कह रहे थे बताना जरा. मैं बोल रही ठंड का टाइम आ गया, अंजीर लेकर आई एक अफगानी शॉप है वहां से सेलेक्ट सिटी वॉक में, हम बहुत सेलेक्ट सिटी वॉक घूमते हैं सबसे घर के पास वही है. तो हमें दिखा, ये देख रहे हो अंजीर की क्वालिटी. और ये एक मॉल से, इससे शायद अराउंड सेम महंगा भी है, आई एम नॉट सेइंग इट्स चीप, बट एटलीस्ट पैसे देके सही चीज तो मिल रही है. ये पैसे देखो ये क्या मिला है. अब तुम इसको और इसको कंपेयर करो. दोस्तों इसको उसको कंपेयर करा जाए जरा. क्या दोस्तों जरा कंपेयर कंपेयर करा जाए दोनों को तो जरा. क्या कुछ कुछ गलत मीनिंग निकाल रहे हैं. कुछ भी गलत मीनिंग नहीं है. लोग अपने आप कंपेयर कर लेंगे जिसको करना होगा. मतलब मैं बोल रही हूँ देख रहा है क्या मिल रहा है. मतलब वही तो मैं कह रहा हूँ, यही तो है. ज्यादा पैसे खर्चोगे तो अच्छा मिलता है अंजीर. क्या बोल रहा है गोभी तू. शेर मैं कुछ बोल ही नहीं रहा हूँ यार, आप ही को लग रहा है. ये महंगा अंजीर और सस्ता. शेर कुछ गंदा नहीं बोल रहा हूँ मैं हंस रहा हूँ तो आपको लग रहा है. और मस्त ये लेकर आई मैं हेल्दी. हम गंदा खाना भी दिखाते हैं, हम हेल्दी चीजें भी दिखाते हैं. मामरा बादाम, अगर आप बादाम के शौकीन हो हैव दिस बादाम, मामरा बादाम. दिस इज अ रियल बादाम, वो कैलिफोर्निया आलमंड कुछ नहीं होते. ओरिजिनल लाते हो, ये भी कैसे असली लाए होगे आप. वो भी तो उसकी खुशबू सूंघ ले. जस्ट स्मेल इट नो एंड यू स्मेल द नॉर्मल इलायची दैट वी गेट फ्रॉम अ ग्रोसरी स्टोर. ये कहां से? अफगानिस्तान. हां अफगानी है ना. लगत सूंघ तो. हां एक्चुअली बहुत ही, मतलब यहां तक खुशबू आ रही है. और ये देख ले खजूर अंदर थोड़ा उतना अच्छा नहीं. ओह शिट, ये थोड़ा इसका महंगा वाला भी आ रहा था. बहुत बहुत महंगा था यार, 4000 रुपया किलो. मैंने कहा भैया इतना ज्यादा मेरे को नहीं अपना. और ये कितने का? ये 1200. Hey guys, welcome to the vlog. आज का vlog जो किया बहुत important है दोस्तों. आज वीजा के लिए आया हूँ इधर अपना बाबा खड़क सिंह मार्ग पे शिवाजी स्टेडियम पे जो है सेंटर वहाँ पे. और वीजा के लिए आओ तो कचौड़ी ना खाओ तो क्या फायदा भाई. इसलिए मैं आधा घंटा पहले आया था कि बात का टाइम वेस्ट ना हो. सुबह सुबह हनुमान मंदिर की कचौड़ी खा के दिल खुश होने वाला है भाई. लगता है जोश में कुछ ज्यादा जल्दी आ गया, तो कचौड़ियाँ लगी नहीं है. तो पहले वीजा वाला काम कराया था फिर जाते हैं भाई. वीजा काम खत्म करके सीधा कचौड़ी दवाने आ गए हनुमान मंदिर भाई. वाह मॉल बनने वाला है आज भाई. ये क्या है दिल्ली में हनुमान मंदिर के सामने ना एक पार्किंग सी है, मतलब वो पार्किंग है नहीं पर वो लोग लगा देते हैं वैसे, उस हिसाब से पार्किंग है. किनारे में जगह बनी पड़ी है तो जब तुम गाड़ी निकाल रहे हो ना दो बंदे आएंगे पीछे से, बस आ जाओ करेंगे भैया पैसे. भाई दिल्ली में भाई हर कोई ना अपना एक लाइवलीहुड ढूंढ लेता है हल्का फुल्का. सही है चलो. और सबसे ज्यादा मैंने देखा है भाई बैगर्स होते हैं वीजा ऑफिस के बाहर, क्योंकि उसके बाद इंसान सबसे ज्यादा वल्नरेबल दो जगह पे होता है, एक वीजा ऑफिस के बाहर और एक जब से जब ज्वेलरी की दुकान से निकलता है. सबसे ज्यादा मैंने देखा भाई दिल्ली वाले बेगर समझ गया स्ट्रेटेजिक लोकेशन क्या है, तो इसके बाहर खड़े रहो अरे आपका वीजा लग जाएगा सब पकड़ 50-50 के नोट. दोस्तों आज दुग्गल साहब कारपेंटर बने हैं. वाह क्या पेंट लगाया है सिरे, मजा आ गया. डिजास्टर है डिजास्टर. इस घर थोड़े दिन में एक पेंच गिर जाता है इस कुर्सी का. हम भी कुछ करते नहीं है तो एक दिन इस घर के अंदर कोई आएगा गेस्ट, हेलो जी नमस्ते, और इस पे बैठेगा और सीधा कमर चटवा के जाएगा. इसका भी दो गिर चुके हैं और इसके भी एक आध पेंच गिर चुके हैं. मैं ये करना चाहूंगी, वाव गौरव ने आज फोन उठाया व्लॉग बनाया. मैं क्या बोल रही थी? क्या बोल रहे हो? जब स्टॉक मार्केट भागता तो लोगों को खुशी होती है. गौरव की फट जा रही है, बोल रहे इतनी खुशी देने के बाद दुख आएगा. तो गौरव बोल रहा है मैं वो झेल नहीं पाऊंगा. तो जैसे ही स्टॉक मार्केट भागता है गौरव को अरे यार ये क्या हो रहा है, अरे यार ये क्या हो रहा है, तेरी फटी रहती है ना. आपने तो मेकअप क्यों करवाया श्रेया? गुबी पहले के जमाने की औरतें होती थी ना, पति जब घर में रहते तो मेकअप करके रहते. तो उसे मैं भी करूँगी, सच सवर के रहूंगी तेरे लिए. वो लाइन बोलते ना हम अपने लिए मेकअप करते हैं तुम्हारे लिए नहीं करते. अच्छी लग रही है गुबी, पता नहीं तेरी क्या एक्सपेक्टेशन है. अब भैया जो है अब तो यही है, अब सह लो. क्या कर सकते हैं, क्या एक्सपेक्टेशन है तेरी बिना मेकअप. आ जा ए यार, कमी आ जा.
गाड़ी में चार्जर में फोन किसका लगेगा इस बात पे कितने लोगों की लड़ाई होती है। 2% बैटरी लेकर आती हूँ गाड़ी में ताकि कोई बोल ही ना सके कि हमें चार्ज करना है। मैंने कहा ये देख लो 1% बैटरी है, मुझे ही करना पड़ेगा। कैसा ग्लूमी सा वेदर हो रहा है ना एकदम, हम लंदन में तो नहीं है। देखो ना सामने लंदन दिखाता हूँ अभी। The sound of broken road. अभी पता चला है कितनी roads, कितनी ये देखो। Hey guys, हम सोच रहे हैं कि हमारा जो अपना हमारे व्लॉग का जो इंट्रोडक्शन है टूट वो चेंज करने का सोच रहे हैं हम, तो प्लीज सजेशन बता दो। ओ, किसी को आता है कुछ अच्छा बना के दे दो। हाँ वो तो डालूंगे, एक ट्रिप दे देंगे फ्री। वाह भाई ट्रिप, बहुत तुम्हारे पास पैसे हैं। नहीं कोई ट्रिप फ्री नहीं होगा, नहीं कुछ सोच लेंगे। डोमेस्टिक ट्रिप दे देंगे ना फ्री। नहीं ट्रिप नहीं, कुछ गिफ्ट दे देंगे। एक अच्छा इंट्रो मिल गया तो नहीं ट्रिप दे देते, गिफ्ट एक ट्रिप दे देते ना फ्री। कुबी हेलो आपके पास बहुत पैसा है, रुक जाए थोड़ा। डोमेस्टिक ट्रिप ना ग्रुप में कटर वाली। तो कुबी एक क्रिएटिव का तो इससे अच्छा पैसे दे के मनवा ले कुबी, वो ज्यादा फायदा नहीं रहेगा हमें। हम दे देंगे, हम कुछ देंगे, हम फ्री में नहीं करवाएंगे। पहले बताओ ये नहीं कि हमारे बात चल रही है आपको कंपनी में हायर करूं मैं ये बोल के, हम कुछ देंगे फ्री में नहीं करवाएंगे। मतलब वो थोड़ी बोल रही हूँ मैं बोल रही हूँ, मैं क्या बोल रही हूँ, मतलब एक कुछ एक फर्स्ट ड्राफ्ट तो दिखाना पड़ेगा ना, अगर हमें भी लगे उसमें पोटेंशियल है। तो टेंट जो हमारा जो बिगनिंग का क्रेडिट आता है ना, टेंट ये वाला जो है ना, एक्चुअली हुआ क्या, गौरव ने खो दिया है वो वाला जो पार्ट आता है ना, वो उसको मिल नहीं रहा है और बीच में अगर आप देखोगे तो वो कट चुका है, आधे से स्टार्ट होता है टी 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 बस इतना होके बंद हो जाता है वो। तो वही मैंने वही गौरव को बोला कि हमें एक नया इंट्रोडक्टरी वो चाहिए होगा, तो अगर कोई अच्छा बनाएगा तो गौरव तो बोल रहा है दैट ही विल गिव अ डोमेस्टिक ट्रिप फ्री, बट मैं बोल रही हूँ थांबा, मैं बोल रही हूँ हम डिसाइड करेंगे कि हमें क्या देना है, बट एक वील नीड टू सी अ फर्स्ट ड्राफ्ट। तो गौरव अपने सबैटिकल का पूरा फायदा उठाते हुए 12:30 बजे भी सो रहा है, इसीलिए एंड क्रेडिट मैं दे रही हूँ। दैट वाज द एंड ऑफ टुडेज व्लॉग, एंड क्या बोलता है यार। हे गाइस सो दैट वाज द एंड ऑफ टुडेज व्लॉग, इफ यू लाइक द व्लॉग देन डू सब्सक्राइब टू द चैनल। नेक्स्ट व्लॉग इज गोइंग टू बी आउट वेरी सून।